कैसा है रही हो? तेरे नाक पे सांस है। अरे तो उसमें हंसने की क्या बात है, सांस तो नाक से ही ली जाती है, और कहाँ से? अरे तेरी नाक पे टमाटर की सांस लगी है। अरे तो टमाटर सांस बोलो ना, सांस क्या कहती हो? ये सास शब्द ना मेरे को बहुत पसंद है। क्यों? तेरी माँ को मैं मेरी सास बनाएगी ना। तो मेरे गांव चली जाओ बनवा ले, हमारे पांच भाई अभी तक कुंवारे हैं। कुंवारों से मैं थोड़ी शादी करूंगी, मैं तो तेरे से शादी करूंगी। लेकिन मैं भी तो कुंवारा हूँ। नहीं, कल रात मेरे सपने में हम दोनों की शादी हो गई। अब बता तू कुंवारा कैसा? तो तू चाहती है हम तेरे साथ घर गृहस्थी संभाले हैं, तो तू ये काम कर, घर गृहस्थी भी सपने में कर ले। किसकी घर गृहस्थी की बातें हो रही हैं? मेरे और नौरंगी की। नहीं नहीं, ये सपना देख रही है। अभी से काम के वक्त सपना देखना बंद कर। यही तो हम भी कह रहे थे, मगर ये मानती ही नहीं। दिल है कि मानता। तेरे को मैंने सब्जी लाने को कहा था ना? अगु भाई हाँ। चल अगु भाई हाँ। हम भी जाएं। तुम भी खूब हो, किसी से भी बातें करने लगते हो। अब नहीं करेंगे, मगर जब भी देखती हूँ वही करते हो। नहीं नहीं, वही जबरदस्ती बात करती है हमसे। और तुम चुप रहते हो। हाँ, नहीं मगर हम ज्यादा नहीं बोलते। बस अब एकदम नहीं बोलना। एकदम नहीं। हेलो, क्या ऑर्डर होना रे? अबे गधे, सॉरी रे, यहाँ नॉन वेज कुछ नहीं मिलना। शेट्टी, आवाज नहीं पहचाना? देखो आम सिर बाल मुरली कृष्ण, सुब्बा लक्ष्मी, हेमंत कुमार और तलत महमूद का आवाज पहचान ना रे। तू कौन रे? अरे यार मोफत लाल। नहीं रे, यहाँ मोफत में कुछ नहीं मिलना लाल। अबे खोचू, मोफत बोल रहा हूँ मैं, मोफत। मोफत इंडस्ट्रीज का मालिक। अयो तेरा रोज पेपर में नाम आना, तू इतना बड़ा आदमी, तू मेरे को काय को फोन किया रे? तेरी याद तो अक्सर आती है यार। है? तुझे याद है बचपन में हम तेरे पिताजी के होटल में मोफत में खाना खाया करते थे? याद है, तभी मेरा अप्पा ने तेरा नाम मोफत रखा नहीं रे। हाँ, और आज उसी नाम पर तो मैं इतना अमीर बन चुका हूँ, और इसीलिए तेरे अप्पा का और तेरा कर्ज चुकाना चाहता हूँ यार। अरे क्या बात करना रे है? शेट्टी यार, तेरी लड़की अभी काफी बड़ी हो गई होगी ना? अरे शादी का उम्र का हो गया रे हमारा राधा बेटी। सुशील और गुणवान भी होगी। अच्छा है, गॉड ब्लेस हर। और सुन शेट्टी, मेरा बेटा है टाइसन, तेरे होटल के सामने कंप्यूटर पे बॉक्सिंग सीखने आता है। कंप्यूटर पे बॉक्सिंग? अरे भाई आजकल तो सभी चीजें कंप्यूटर पे हो जाती। खैर आज वो तेरे होटल में आने वाला है, उसे साउथ इंडियन खाना कुछ ज्यादा ही पसंद है। तुम्हारा बेटा हमारा बेटा जी, हम उसे सब कुछ खिलाना है। ये एक बोल मोहब्बत, तेरा टाइसन तेरा जैसा तो नहीं दिखना ना रे? नहीं नहीं, वो तो काफी हैंडसम है। हमारा राधा बेटी भी बहुत सुंदर होना। हमारा राधा को हम तुम्हारे टाइसन से मिलाना। जरूर जरूर, और मुझे यकीन है शेट्टी, मेरा टाइसन तुम्हें बहुत पसंद आएगा। आएगा नहीं रे, आ गया। ध्यान रखना शेट्टी, उसे बॉक्सिंग कुछ ज्यादा ही पसंद है। बीच बीच में यकायक मारामारी की पोज लेकर लड़ाई शुरू कर देता है वो। कोई बात नहीं रे, हमको बॉक्सिंग बहुत पसंद है, तू भेजना टाइसन को। अच्छा ओके, बाय बाय। हाँ बाय। ये मोहम्मद लाल हमारा कर चुका था, हमारा बेटी राधा और उसका बेटा टाइसन के शादी के बारे में तो वो नहीं बोलता। अयो वैसा हो गया तो गॉड इज ग्रेट, हमारा समझी करोड़पति, फिर हम भी एक फाइव स्टार होटल खोलना। गुड मॉर्निंग शेट्टी ग्रुप ऑफ होटल्स, होल्ड ऑन प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ बोल रहे हैं? अरे नहीं रे, नहीं 200 करोड़ के नीचे कुछ नहीं होने वाला रे। सर हाँ जी, हाँ कह रहे सर, आज हमारे कोलाबा होटल में अमेरिका के प्रेसिडेंट, रशिया के प्रेसिडेंट
और इराक के प्रेसिडेंट डिनर लेंगे। तो वो आपसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं सर। मेरे को मिलने का टाइम नहीं रहे थे। चेन स्पोकली में आज हमारा 10वां 5-स्टार होटल का इनॉग्रेशन स्टार्टिंग है। आप बोल रहे हैं चले सर। वो तीनों प्रेसिडेंट को बोलना हमारे होटल में बैठ के लड़ाई का बात नहीं करना। ओके यार तू कौन रहे यार? हाँ जी हाँ जी अयो राधा बेटी मैं दो दिन के लिए पाकिस्तान जाता हूँ। बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन मेरी लाइफ का ध्यान रखना। डोंट वरी जी राधा हमारा बेटी जी तुम जाना तुम कौन ना बॉक्सिंग करना पैसा कमाना फिर हम दूसरा फाइव स्टार होटल बनाना। क्या देखता रे आप ही लखनऊ डके जैसा शकल का है बनाया तू बात कर रे हम अपने फाइव स्टार होटल में इसको कब भी नहीं रखना। या टाइसन को बोल के इसको कहीं हमारा होने वाला जमाई तो नहीं आ गया जी। ये अपन का जो थोड़ा है ना कभी कभी खूब धोखा देता है। एक बार एक साहिबा अपन को शाहरुख खान समझ बैठा। वही तो हमारा भी डिट्टो हो गया। एक प्रोड्यूसर हमको बोरमुंदा बोरमुंदा बोला। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मैं जब 71 की लड़ाई पे बॉर्डर पहुंचा तो ब्रिगेडियर साहब मुझे देखे और बोले अरे अब्दुल हमीद तू फिर आ गया। चला अपने आपको समझता क्या मान्य मोपट का बेटा बोले छे मोपट का। चला हमारे पास बहुत पैसा है इधर तुम्हारा रेस्टोरेंट में मैं मोपट का नाश्ता करने वास्ते नहीं आया समझे क्या। मेरे बोल रहे हैं सब कस्टमर लोग इधर देखना। देखता तो देखने देना। चला मैं भी लॉर्ड झुंझुनवाला का बेटा केस करेगा तुम पे। चला मेरे को मोपट का बेटा बोला तुम। ओ भाई साहब क्या हो गया। ये शाला होटल का मालिक अपने आप को समझता क्या है आपके पास पैसा है फिर भी अपने को मोपट का बेटा बोलता। गलती हो गया बाबा गलती हो गया। मालूम नहीं कैसा हम इसको मोपट का बेटा समझे। हम तुमको छोड़ेगा नहीं तुम हमारा इज्जत तोड़ा तो अपन का गैरेज में आ जाना अपन तेरा इज्जत रिपेयर कर डालेगा क्या। हेलो तुम सब बदमाश है तुम सब मेरे को मोपट का बेटा समझता है तू सब मेरे को मोपट का बेटा समझते बोल। क्या बात तेरे को क्या करने का जी। जास्ते शान बत्ती नहीं यार बड़ा उम्र के आदमी के साथ ऐसे बात करने का। तू केस का जवाई लगता है। हाँ तो चल सीधे पतली गली से निकल वरना ऐसा फाइट मारूंगा ना सीधे रिंग के बाहर गिरेगा तू। तू मेरे को फाइट मारेगा तू मेरे को फाइट मारेगा तेरे पे केस करेगा। केस करेगा केस करेगा तेरे पे केस करेगा तू मेरे को मार मार तेरे पे केस करेगा। अरे वाह नौजवान तुम तो काफी ताकतवर हो। हाय हैंडसम I like your fun. आपको बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहिए। आजकल हमारे देश में अच्छे बॉक्सर्स हैं कहाँ? क्यों शेट्टी? वैसे ये लड़का शेट्टी बिल्कुल सलमान जैसा लगता है एकदम स्ट्रॉन्ग। अरे बाप अपन को सलमान पसंद नहीं है अपना हीरो तो सनी देओल है। Alright, not a bad choice. क्या बाप अपने फोन कर सकता है? करो ना जी वैसा फोन का 3 रुपया हो ना पर तुम नहीं देना चलना। तुमको चलेगा ना तो आपुन को भी चलेगा क्या? आपुन तो मुफ्त का बादशाह है। मोपत का बादशाह यानी कि मोपत लाल का बेटा। फाइट अच्छा बॉक्सिंग अच्छा कहीं ये मोपत लाल का टाइसन तो नहीं? ये बम्बई का फोन साला हमेशा एंगेज रहता है। ओके शट्टी अपन चलता है। सुनो जी क्या तुम्हारा नाम टाइसन होना क्या है? कुछ भी बोल यार टाइसन बोल या बादशाह कुछ फर्क नहीं पड़ता है अपन तो राजा आदमी है बाप। मेरा मतलब है वो मोपतलाल इंडस्ट्रीज का मालिक मोपतलाल का तुम बेटा हो ना क्या टाइसन? ओ राधा कांता गंगा सीना क्या कर रहे हो बाप अपन लेडीज लोगों से फाइट नहीं करता है? अरे नहीं रे फाइटिंग नहीं अभी हम हमारे होटल को लाइटिंग करना है। क्या हुआ पा? राधा बेटी जल्दी से इनके लिए एक जूस लाना बेटा। पापा ये कौन? 5-स्टार होटल। क्या मेरा मतलब है हमारा पुराना दोस्त होना मोपतलाल इनका ये बेटा टाइसन बेटा। इसका बाप करोड़पति होना। हाँ अपना बाप रोडपति है। रोडपति? आप उनका मतलब है कि करोड़पति। क्या स्तर है इनके लिए जल्दी नाश्ता ले आ रहे हैं। 2 मसाला डोसा 2 इडली 2 उत्तपा 3 मेदू वड़ा 3 उपमा 5 सीरा 2 चाय 5 संतरे का जूस। क्यों हम इनको भी होटल पर काम में रखे ऑर्डर बहुत अच्छा से लेंगे। जल्दी से नाश्ता ला रहे हैं जी। जूस लाना
आप इतने खुश क्यों हैं? क्या है ना बेटा, अभी हम सोचता हमारा बेटे का शादी का उम्र होना। टप्पा, अभी तो मेरे खेलने खाने के दिन है, इतनी जल्दी मैं शादी नहीं करना चाहती। अयो नालायक, हम तुम्हारा नहीं रे, हम राधा बेटी का बात करते जी। ओके, तो लाओ 50 रुपए। आज हम बहुत खुश होना बेटा, इसका बाप करोड़पति रे, ले आज तू 100 रुपया लेना, चल। खाना बेटा खाना, चिंता नहीं करना तू, तेरे को और कुछ होना रे, ये ले ले। ये क्या है? ये क्या है? नारंगी। अरे इनके सांबर में क्या होना रहे? अरे हमारा पाजामा का नाड़ा हम सवेरे से खोज रहे थे। ये कैसा आदमी होटल में भर्ती खेला है बाप? तू चिंता नहीं करना रे, इसको हम अपने 5-स्टार होटल में नहीं रखना, तू चिंता नहीं। ये 5-स्टार का क्या चक्कर है बेटू? क्या है ना टाइसन बेटा, तू अगर अपना बेटी से शादी करेगा ना तो हमारा 5-5 स्टार होटल होना। आपका मतलब है कि अपन आपके बेटे से लगन करूं? रे तुमको हमारा बेटी अच्छा नहीं लगा क्या? काय को अच्छा नहीं लगा बाप? ले बाप अपने जो निकल बड़े। मतलब तू अपना बेटी से शादी करेगा ना? अरे देने वाला अगर छप्पड़ फाड़ के दे रहा है तो लेने वाला और छप्पड़ बनाएगा ना, ले कर लेगा। मैं अभी तेरे बाप के साथ फोन पे बात करता हूं। तेरे बाप का फोन नंबर क्या रहे? फोन राधा जी एक बात बोले। 100 कहो, हमने तुम्हें कब रोका है? डरते हैं कहीं आप गुस्सा ना हो जाए। गुस्सा तो तब होंगी जब तुम नहीं कहोगे। कुछ ना कहो, कुछ भी ना। क्या है? आपका बनाया खाकर सब खुश हो जाते हैं। हम भी, कल आपने जो सेब दिया था ना, हम पूरा खा गए। धो तुम कुछ नहीं समझते। मैं समझती ना सब कुछ। बधाई हो राधा भाई, तुम्हारा लगन पक्का हो गया ना। क्या बक रही है? कुछ नहीं बोलो, वो जो सेठ के दोस्त का बेटा आया है ना, उससे तुम्हारी शादी तुम्हारी फिक्स की है अप्पा ने। सच बोल रही है? देवा शपथ। छी, वो उससे है। आप एकदम शादी मत कीजिए, वो तो बिल्कुल सड़क छाप है। काहे को मत करो, फिर से ऐसा लड़का नहीं मिला तो? तेरे को पसंद है वो? बहुत। तो ठीक है, मैं अपनी कैंसिल करके तेरी फिक्स करती हूँ। ए शक्ति, तेरे राधा के बिना अपन तो था आधा। अरे वाह, तू तो बिल्कुल गोविंदा ऐसे डायलॉग बोल रहा है। बिल्कुल सच्ची बोलो तो करिश्मा दिखती है ना। सच्ची बोलो तो अपन तो तेरा दीवाना हो गया ना। अच्छा? हेलो, ऑर्डर क्या है? अबे गधे, तो हमने बोला तुमको इधर नॉनवेज नहीं मिल। मोहपतलाल, अयो हम तुमको फोन करने वाला था रे। अच्छा, मेरा लाडला वहाँ पहुँच गया क्या? अरे पहुँच गया रे, बहुत स्वीट होना रे, हमको बहुत अच्छा लगा रे टाइसन। देख राधा को भी बहुत अच्छा लगा टाइसन। अच्छा शेट्टी, वो राधा को ज्यादा तंग तो नहीं कर रहा है ना? करने दे रे, तंग करने का उम्र है दोनों का। ले अपने बेटे से बात करना और खुशी का बात सुनना। एक मिनट, ये टाइसन बेटा ले रहे, तेरे बाप का फोन है रे। फोन? बाप रे, आजा आजा जल्दी आजा। हेलो मोहम्मद, पहले खुशी का बात सुनना, फिर हम तुमको बताना 5-स्टार होटल किधर होना। अच्छा? हाँ, एक मिनट। हेलो बाप, कैसे? अरे भाई, ये तेरे आवाज को क्या हो गया बेटा? आवाज मेरा बैठ गया बाप। क्या, ठीक से सुनाई नहीं रहा है? तो तेरा कान बैठ गया क्या? यस यस यस। कौन बात कर रहा है? यस नो नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। I'm ready from Raja and come home sick to you. God bless you. अयो क्या इंग्लिश हो रहा है? अप्पा, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? Why why? क्योंकि टाइसन को गंगा बाई पसंद करती है। भाई, मेरी को किधर पसंद है बंदर? ए गंगा बाई, चिल्लाइए मत अप्पा। जो लड़का गंगा बाई को पसंद नहीं, उससे मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि वो 5-स्टार होना। क्या? मेरे को एक बात बोल राधा, तुम्हारा मम्मी मेरे से क्यों शादी करना रे? क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी। और राधा जी इससे प्यार नहीं करती। तुम शट अप, तुम एकदम शट अप होना रे। ये राधा का शादी हम टाइसन से करना।
तुम बीच में बोले ना तो उसको बोल के हम तुम्हारा पिटाई करना, आग पिटाई करना, वो तुम्हारा कचुबर बना देगा रे। बॉक्सिंग चैंपियन होना टाइसन होना ना रे, बोलो वो तुमको मच्छर जैसा पीसेगा देखना। मेहरबान कदरदान, आज हम आपको बॉक्सिंग का फाइटिंग फ्री ऑफ चार्ज बताना। ये बॉक्सिंग का दुनिया में इतना डेयरिंग आज तक किसी ने नहीं किया। भैया कांडियोले से लेकर चिंस पोकली तक एक फाइट में चटनी बनाने वाला बॉडी फाइटर टाइसन को एक मच्छर ने चैलेंज दिया। हमको मालूम ये कंपटीशन बॉडी फाइटर टाइसन जीतना और हारने के बाद सबके सामने ये मच्छर नारंगी हमारा वेटर हसीना को किस करेगा। मिस्टर माइकल, आज का रेफरी, हमने तुम्हारा काम एकदम आसान इजी कर दिया रे। हमने एम्बुलेंस स्ट्रेचर सब इस मच्छर के लिए लाके तैयार रखा रे। दोस्तों, बॉडी फाइटर टाइसन। और ये मच्छर नारंगी। आप लोगों को हम बता दें कि सरकार की सर्च की धमकी हमें मंजूर है, मगर एक शर्त पर, अगर हम शर्त जीते तो सबके सामने सरेआम मिश्रादा को किस करेंगे। नहीं होना रे, ऐसा नहीं होना रे। डोंट वरी फ्यूचर इन लॉ, हम इसका ऐसा कचुंबर बनाएगा कि खुद को भी किस करने का लायक नहीं रखेगा। ये तो भक्ति बताएगा मिस्टर टाइसन कि हम मिस करेंगे कि किस करेंगे। कहो शेट्टी, आपको शर्त मंजूर है? डोंट वरी, मंजूर है। नारंगी हार जाएगा? नहीं, उसे मैंने अपनी तावीज दी है। बहुत बुरा हुआ। क्यों? जब नारंगी जीत कर अपनी शर्त पूरी करेगा तो मुझे मेरी आंखें बंद करनी पड़ेगी। तुम शर्माने कैसा? लेडीज एंड जेंटलमैन, इस माइकल का टायर तो पंचर हो गया। नॉनसेंस, अब इस फाइट का रेफरी मैं हूं। थैंक यू। लेकिन मैं इस फाइट को ऑथराइज नहीं मानता। काई को ऑथराइज नहीं मानता रे तो? इसलिए कि इन दोनों ने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखा है। यस, जब तक ये लोग बॉक्सिंग का यूनिफॉर्म नहीं पहन लेते मैं इन्हें फाइट नहीं करने दूंगा। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। गंगा, क्या तुम चाहती हो कि हम इस बंदर से हार जाएं? नहीं रे नौरंगी, मैं ऐसा कैसे चाहेगी। तो मेरा एक काम करो। ये इस बार ये नारंगी का चटनी ऑनर है। अरे जल्दी ना। Are you serious?
काम हो गया। अयो उतरे, अरे मेरा फाइव स्टार होटल उतरे। ये गया, 4-3-2-1। सच, आज प्रेम के इतिहास में गंगा ने अनमोल कुर्बानी दी है, उसी की वजह से हमारा मिलन हुआ है। क्या हुआ, क्या हुआ? खबरदार, जो जाए वही रुके, नहीं तो गोली मार दूंगा। ये शेट्टी के होटल में क्या ऑनर है? शेट्टी साहब, ये खतरनाक गुंडा है, इसका नाम बादशाह है, हमें इसी की तलाश थी। अच्छा हुआ आपकी बेटी ने हमें खबर कर दी। हमारा बेटी? मैं अप्पा, मैंने इसकी तस्वीर अखबार में देखी थी। जब आप लोग बातों में थे ना, तो मैंने इंस्पेक्टर को फोन कर दिया। शेट्टी साहब, पुलिस को बोलो ना, अपुन तेरा होने वाला जमाई करके बोलो। अरे काई का जमाई रे तू, हां मेरा सब कमाई खाया है, अभी खाने का पैसा कौन देगा तेरा बाप? डोंट वरी शेट्टी साहब, इसके ऊपर पुलिस ने 10,000 का इनाम रखा है, वो आपकी बेटी को मिल जाएगा। चलो इसको लेके चलो। शेट्टी साहब, शेट्टी साहब, 10,000 मिल रहे हैं आपको। शेट्टी साहब, अरे शेट्टी साहब, क्या हो गया? हमारा राजा बेटी बच गया। अपा, ये तो असली टाइसन नहीं था, मगर आपके दोस्त मफतलाल के असली बेटे टाइसन से मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। हम अभी तक वो फाइव स्टार होटल का उम्मीद रखना राजा बेटा। ये चट्टे अंकल कौन है? हम, तुम कौन रे? मैं टाइसन, मिस्टर मफतलाल का बेटा। तू टाइसन, आना आना इधर आना। हाँ, तेरे को खाना होना ना, आना। ये कांता बेटी, ये टाइसन।